अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खरीत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और आप भी जहां रहें खुश रहें, सलामत रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो बात यह है कि बात कोई भी नहीं है, और ये जो वीडियोज़ आ रही है मेरी इतनी लेट, इसकी वजह थी कि मैं कराची था, कराची से फिर दरबार शरीफ आया, वहाँ पर काफ़ी मसरूफियत थी, तो उस वजह से मतलब वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा सही से, मतलब समझ रहे ना, मतलब सही से। और अभी सुबह ख़त्म शरीफ था, और इस टाइम को टाइम हो रहा है 12 बजे का, ख़त्म शरीफ से आया हूँ यहाँ पर। वो अहमद है ना, अहमद हसन, छोटा बच्चा, मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैंने पहली वीडियो में भी उसको लाया हूँ, जिसने कहा था मुझे बहुत दुख लग रहा है, तो उसके लिए साइकिल लेनी थी, तो वो चेक करने गए, अगर मिलती है तो ठीक है, दिखाएँगे आपको भी। और तब तक मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपके भाई को ज़्यादा बात जाने की आदत नहीं है। तो अभी वेट कर रहा हूँ गाड़ी में, आगे मीर हैदर साहब अपने नाक के डिज़ाइन बना रहे हैं, वीडियोस बना के चेक कर रहे हैं। तो बहरहाल अभी फिर आगे का प्लान है कि रात को शायद हम वाती हैं सून निकल जाएं, अगर गए तो फिर गए, ना गए तो फिर इधर ही हैं, ठीक है ना। ये अहमद हसन और इसकी ये साइकिल ने, इधर देखो अहमद, साइकिल आ गई आपकी, आ गई है अभी। आज मैं अपने बेटे की साइकिल ले आया, अभी इसने लेना जनाब बहुत सारे झूले इस पर। ये लो, बैठो अहमद, ऊपर बैठो, चलो नानू पास नहीं चलते, चलो चलो चलो। ये आ गई जनाब साइकिल अहमद की। तो अभी मैं जा रहा हूँ ये दवाइयाँ देने, वो फालिया जा रहे हैं अहमद हसन लोग, जिसके लिए साइकिल आई थी तो भूल गए थे, अभी दोबारा देने जा रहा हूँ। अब देखें फिर वापस आते हैं घर। देखें मैं टाइम हो रहा है इस टाइम, वो जो कल था इस टाइम, मतलब समझ रहे हैं ना आप, जो कल इस टाइम टाइम था वो अभी हो रहा है, मतलब 5:15। और दिन को आया था, फिर मैं गया था सो के भी उठा हूँ, नहाया शाया हूँ, क्योंकि आपका भाई 2 दिन से नहाया नहीं था, तो मतलब टाइम नहीं था ना, समझ रहे हैं आप। तो जैसे कि टाइटल में मैंने बताया है, मुझे मिले 2 ज़बरदस्त किस्म के गिफ्ट्स, और उनको मैं दिखाऊंगा आपको वो गिफ्ट हैं कैसे और कितने ज़बरदस्त हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता वो कितने ज़बरदस्त हैं, आपको बताऊंगा फिर आपने बताना वो गिफ्ट्स कैसे हैं। मुझे मिले 2 ज़बरदस्त गिफ्ट्स, तो अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ और दिखाऊँगा भी, और साथ में ना पेन के भी ना चेक कराऊँगा, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब चेक भी कराऊँगा आपको, तसल्ली पूरी करवाऊँगा, आपने फिर पास करने आने, समझ आ गई। तो भाइयों और उन सब की बहनों, पेशे खिदमत गिफ्ट नंबर 1 जो मुझे साहिवाल से दिया है महमूद साहिब ने, जो मेरे साथ थे ना कुछ वीडियोस में, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है ये कोट। यू नो ये लग इस तरह रहा है लेकिन पहनने में बहुत अच्छा है, मैं अभी आपको ना पहन के भी चेक कराऊंगा। और बहुत शुक्रिया महमूद साहब आपका, आपने गिफ्ट दिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखिए, अल्लाह पाक आपको और मेरी तरह गिफ्ट दे। और अभी बताता हूँ आपको गिफ्ट नंबर 2 एंड पेश खिदमत गिफ्ट नंबर 2, इसमें क्या है मतलब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये भी फैज़ान भाई ने दिए हैं, फैज़ान FAIZAN फैज़ान, समझ रहे हैं ना फैज़ान। तो क्रबाश बहुत 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 खूबसूरत, बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। और अभी मैं आपको दोनों ना ये पहन के, ये मैं ट्राईपोर्ड पे लगा लूँ, फिर आपको ना दोनों पहन के चेक कराता हूँ ये दोनों चीज़ें कैसी लग रही हैं, लेकिन मैंने पहनी है दोनों बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं, और आपने भी सॉरी फिर बताना है कि कैसी लग रही हैं, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि इस शक्ल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। तो फाइनली मैंने अभी कोट पहन लिया है, मतलब आपने बताना है कैसा लग रहा है, मतलब कि ना मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये रही वॉच, मतलब ऐसे। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया महमूद साहब और फैज़ान भाई, और जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया और इतना प्यारा गिफ्ट किया। तो इसी के साथ मतलब ना अभी मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ मेरा रूम, जो मेरे रूम किस टाइम हालत बनी हुई है, मतलब गधों का रूम होता है ना इससे बेहतर होता है, लेकिन ये मेरी नाहली की वजह से इस तरह हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी कि उसके क्या हालात हैं। इनो सामीन, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा था, ठीक है, ट्राईपोर्ड पे मैंने नहीं लगाया, बहरहाल जी नहा के आएँ तो ये टॉवल जो है ना, ये टॉवल बाहर का ना यहाँ आ गया, अब नसीब से इसने बाहर जाना है। ये इसमें कोट था और इससे मैंने ये वॉच निकाली, ये वाली, अब बताएं कैसी लग रही, अच्छी लग रही मुझे पता है। ये स्टैंड, ये बैग और ये ट्राईपोर्ड,
और ये कोर्ट साहब इस टाइम रेस्ट कर रहे हैं, पंखे के ऊपर लटक के इनको इस वक्त छेड़ना मुनासिब नहीं, आराम कर रहे हैं। और ये कपड़े इसमें मतलब धोने वाले, ये मेरा बैग, जिपें खुली हुई हैं और क्या क्या पड़ा हुआ है समझ रहे हैं आप, देख रहे हैं टॉवल और डस्टबिन, ये मेरे चप्पल वगैरह शूज़ जो भी हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तो आप हालत सुभान अल्लाह, ये तार लगी हुई है और टिश्यू पेपर साथ ही पड़े हुए हैं, मेरा वॉलेट ये पड़ा हुआ है, मेरी जर्सी ये पड़ी हुई है और इनकी हालत तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये है सारे रूम का टूर चेक किया आपने, एंड दिस इज़ लाइब्रेरी छोटी सी, और अल्लाह पाक मुझे हदायत दे। तो अभी आ गए हैं ये जनाब और ऐद वफा ड्रामा देख रहे हैं, और फिलहाल कोई प्लान नहीं, आप सब ही आ गए हैं। तो अभी प्लान ये है कि चुप करके सो जाते हैं, किसी को डिस्टर्ब किए बगैर, इस कुत्ते को बंद करें खुदा के लिए। तो ये बार बार कुत्ते कुत्तों के सीन देख रहे हैं तो अभी प्लान ये है कि अभी सो जाता हूँ, मतलब कोई फ़िलहाल आगे की रूटीन नहीं, और मैसेज भी मेरे आप वो सुन रहे होंगे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। हंसने की कोई ख़ास वजह तो बता दें, वजह है क्या वजह है बस वो मेसना हंस रहे क्या बात है। और मेरे तमाम सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जो जो कॉन्टैक्ट करना चाहता है कॉन्टैक्ट कर ले, और जो नहीं करना चाहता वो भी कर ले। तो फिर मिलते कल इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं फिर पूछ रहा हूँ, वो बात ज़रूरी कहने वाली शर्मा रहे हैं या पता नहीं, कोई आज बेगम की याद आ रही होगी। बहरहाल अल्लाह हाफिज़।